नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। 2 फरवरी को जारी होगा सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल का ऐलान 2 फरवरी को करने जा रहा है। बता दें, इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। बता दें, कोरोना काल के चलते लंबे समय से छात्रों के पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक बाधित रही, लेकिन 31 दिसंबर को इस पर विराम लगाते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की थी कि साल 2021 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा होगी। बता दें, वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है, इससे ठंड और बढ़ेगी। बता दें, राजधानी रांची में भी दोपहर बाद बादल छाने और शाम में बारिश की उम्मीद जताई गई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। बता दें, राज्य के मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा उत्तर पश्चिम भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में 28 जनवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 29 जनवरी को राज्य के दक्षिण पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा, मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। सरना आदिवासी धर्म, 31 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम। सरना आदिवासी धर्म कोड बिल केंद्र सरकार से पास नहीं होने के विरोध में केंद्रीय सरना समिति आंदोलन के मूड में है। बता दें, केंद्रीय सरना समिति आगामी 31 जनवरी 2021 को रेल रोड चक्का जाम करने का आह्वान किया है। इसको सफल बनाने के लिए समिति के प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को रांची के अनगढ़ा और सिली प्रखंड के ग्रामीणों से मिला। इस संबंध में केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 2021 जनगणना का वर्ष एवं अभी तक केंद्र सरकार ने आदिवासियों को उनका मौलिक अधिकार नहीं दिया है। आदिवासी वर्षों से सरना कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के समर्थन में झारखंड में 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री। 3 नए कृषि कानून बिल का विरोध झारखंड में भी हो रहा है। बता दें, किसानों के हित में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर आगामी 31 जनवरी 2021 को गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर स्थित रोहिणी शहीद स्थल तक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए दी। जैक ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर शुरू की तैयारी। जैक ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, ऐसे में इस वर्ष स्थापना अनुमति प्राप्त अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी चर्चा की गई। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 30 जनवरी तक 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या अंतिम रूप से जैक को भेजने को कहा गया। वहीं जैक द्वारा फरवरी में 8वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड में शादी के लिए निबंधन अनिवार्य। झारखंड में शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार ने शादी के पंजीयन के लिए पंचायत सचिवालय को अधिकृत कर दिया है। इससे शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान हो गया है। अब और निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बता दें, शादी के निबंधन के लिए सीधे पंचायत सचिवालय जाना होगा। वहां बतौर रजिस्ट्रार पंचायत सचिव अब अधिकृत कर दिए गए हैं। बता दें, शादी के लिए 15 दिन पूर्व पंचायत सचिवालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए ₹50 का शुल्क जमा करना होगा। सरकारी प्राइवेट नौकरियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई डोमिसाइल नीति तैयार करेगी और राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षण करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में की गई। सोरेन ने कहा कि 2021 नौकरियों नियुक्तियों का वर्ष होगा। जल्द ही राज्य में एक नई अधिवास नीति तैयार की जाएगी और निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। वैक्सीन लेने के बाद झारखंड के अब तक कोई नहीं गया अस्पताल, 100% सुरक्षित। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों में चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 100% सुरक्षित है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अब तक के आंकड़े से साफ हो गया है कि राज्य के 13 जिलों में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। राजधानी रांची में सर्वाधिक 145 लोगों में हल्के बुखार के लक्षण दिए, जो 2 से 3 घंटे में संबंधित व्यक्ति ठीक हो गए।
झारखंड में 62 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 43, बोकारो से 1, धनबाद से 1, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 7, गढ़वा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, रामगढ़ से 1, पलामू से 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1069 है, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 670 है। भारत में 18,910 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 154,047 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 169,284 है। झारखंड के पलामू में 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जहर देकर मार डाला शिक्षक। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जहर देकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें, किशोरी के पिता ने पारा शिक्षक शंभुनाथ सिंह को आरोपित बनाया है। उस पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने एवं बाद में जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपित पारा शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जेएमएम भी लड़ेगा बंगाल चुनाव, ममता बोली यह ठीक नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में झारग्राम से चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। बता दें, झारग्राम के जामदा उत्तरायण क्लब मैदान में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रैली की और बृहद झारखंड के साथ आदिवासियों के मुद्दे को हवा दी। झामुमो की रैली से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुश नहीं हुई। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए रैली को अनुचित करार दिया। रिम्स में 370 नर्स की होगी नियुक्ति। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में 370 नए नर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को रांची में हुई रिम्स की गवर्निंग बॉडी की बैठक में इसमें सहमति दी गई। इसके तहत 80% महिला और 20% पुरुष नर्स की नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने 232 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जेपीएससी को भेजी। झारखंड सरकार ने विभिन्न संवर्ग में प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से गुरुवार को 232 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी को भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को 232 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। देवघर में 12वीं राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री का होगा आयोजन, खिलाड़ी कराए रजिस्ट्रेशन। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में आगामी 31 जनवरी 2021 को 12वीं झारखंड स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का होगा आयोजन। इस चैंपियनशिप का आयोजन देवघर स्थित केकेएन स्टेडियम में होगा। बता दें, झारखंड एथलेटिक्स संघ एवं देवघर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रखा गया है। इस बात की जानकारी जेजेए सचिव सीडी सिंह ने दी है। बता दें, झारखंड के सभी जिले के खिलाड़ी प्रतियोगिता स्थल पर खुद रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन केकेएन स्टेडियम देवघर में आगामी 30 जनवरी 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक एवं 31 जनवरी की सुबह 6 से 7 बजे की जाएगी। लालू यादव के जमानत पर फैसला आज। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार 29 जनवरी को सुनवाई निर्धारित हो गई है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी और उसी दौरान जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया गया था। छात्रों ने की सेंट्रल लाइब्रेरी को खोलने की मांग। झारखंड छात्र मोर्चा के संगठन सचिव अजीत विश्वकर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी परिसर में स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी खोलने की मांग की। इसे लेकर गुरुवार को छात्रों ने लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शन भी किया। अजीत ने कहा कि कोरोना काल के बाद लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को एक बार भी खोला नहीं गया, जिससे सभी कुर्सी और टेबल में दीमक लग कर खराब हो रहे हैं।